नमस्कार किसान भाई, आप सभी किसान भाइयों का मेरे चैनल किसान में स्वागत है। तो किसान भाई, आप सभी को पता ही होगा कि अभी जो पॉपल का सीजन आने वाला है और जनवरी फरवरी से जो है किसान भाई पॉपल के प्लांट को लगाना जो है चालू कर देते हैं और इनकी पटाई भी लगभग जो है दिसंबर के लास्ट जो सप्ताह होता है उससे चालू हो जाता है, नहीं तो फिर जनवरी के फर्स्ट सप्ताह से जो इनकी पटाई चालू हो जाती है। बाकी अगर आप भी पॉपल के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वैरायटी बताऊंगा सबसे बेस्ट कौन सी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से लगाया जाए खेत में, ताकि जो भी हमने प्लांट लगाए होंगे टोटल वो भी सभी प्लांटों में जो फुंगारे आना स्टार्ट हो जाए, पत्ते निकलना जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं हो कि हमने जो प्लांट लगाए हैं वो लगाने के बाद ही उसमें ना पत्ते निकले तो और ना ही जो प्लांट जो हमारा ग्रोथ करे और बीच में ही सूख जाए, क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है वो प्लांट तो लगा लेते हैं बाद में ना ही उसमें जो पत्ते आते हैं ना ही उसमें जो फुंगारे आते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि वो प्लांट जो सूख जाता है और किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बाकी किसान भी आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो बाकी मैं आपको वो सबसे पहले वैरायटी बता देता हूँ, क्योंकि कई किसान भी जो है वैरायटी की पहचान नहीं कर पाते हैं और अपने खेत में बढ़िया वैरायटी नहीं लगा पाते हैं। तो किसान भी अगर आप भी पॉपल के प्लांट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको तीन वैरायटियाँ बताऊँगा। वैसे दो वैरायटी सबसे बेस्ट है, एक तो नवी वैरायटी आई है वो भी सबसे बेस्ट है, दो वैरायटी सबसे मतलब सबसे पहले से आई हुई है और काफ़ी लंबा समय जो है ये वैरायटी चली हुई है और आज भी चल रही है। बाकी ये सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो भी किसान भाई पब्लिक प्लांट को लगाते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कौन से वैरायटी की बात कर रहा हूँ। तो बाकी किसान भाई मैं 109 नंबर वैरायटी की बात कर रहा हूँ और 110 नंबर वैरायटी की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा कि जो 109 नंबर वैरायटी होती है काफ़ी बेस्ट होती है, बाकी जो 109 नंबर वैरायटी की पहचान होती है उनकी आँख आपको ऊपर से जो है आपको लंबे दिखाई देंगे और आगे से आपको तीखे दिखाई देंगे। बाकी आप देख सकते हैं ये वीडियो में इसकी आँख छोटे हैं, मतलब ये 110 वैरायटी लगी हुई है, बाकी 109 वैरायटी उसकी जो आँख होती है ऊपर से वो आपको तीखी दिखाई देगी और थोड़ी लंबी सी दिखाई देगी। तो बाकी यही 109 नंबर जो प्लांट होता है उसकी ये पहचान होती है। बाकी 111 नंबर भी नई वैरायटी आई है, अगर आप इनको भी लगा के ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये भी रिजल्ट आपको 9 नंबर की तरह ही जो है 10 नंबर की तरह ही देखने को आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी वैरायटी सबसे शानदार रहेगी, हम जो भी प्लांट रेडी करते हैं वो जो हमारी G2 जनरेशन होती है वो होती है, क्योंकि जैसे हम प्लांट को जो मतलब प्लांट होते हैं उनको लगाते हैं फिर उनकी कटिंग को हम काटते हैं, जैसे प्लांट रेडी हो जाता है हमारा मतलब प्लांट रेडी हो जाता है एक साल के बाद, तो उनको नीचे से मतलब जितनी जितनी हमें कटिंग चाहिए होती है उस हिसाब से हम इनको काट लेते हैं बराबर से। फिर क्या होता है कि इनको हम जो खेतों में लगा देते हैं और लगाने के बाद क्या होता है कि हमारे पास बेस्ट नर्सरी बनके तैयार हो जाती है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं प्लांट की आप हाइट भी देख सकते हैं, आपको जिस हाइट का प्लांट चाहिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो इस रेंज में हम आपको हमारे पास है सभी हाइट के रेंज में प्लांट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हमारे पास से छोटे प्लांट देखने को मिलेंगे, आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम मिलेंगे, आपको लार्ज प्लांट चाहिए तो लार्ज मिलेंगे, अगर आपको मतलब छोटे प्लांट चाहिए 7 से 8 फुट का तो वो भी आपको हमारे पास से देखने को मिल जाएगा। सभी हाइट के आपको हमारे पास से प्लांट देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी आप देख सकते हैं ये 110 नंबर वैरायटी लगी हुई है। तो गुस्सामी जैसे आप नर्सरी में से प्लांट लेके जाते हैं तो आपको डायरेक्ट जो प्लांट को खेत में नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे आप डायरेक्ट खेत में प्लांट को लगाएंगे तो उस समय जो पानी की उसको ज़रूरत होती है वो उनको नहीं मिल पाती है, तो जिस वजह से प्लांट सूख जाते हैं। तो जैसे आप नर्सरी में से प्लांट लेके जाते हैं तो 15 से 20 दिन आपको कम से कम एक गड्ढा बना के उसमें पूरा मतलब आपको प्लांट को मतलब लेटा देना है और 15 से 20 दिन बाद आपको प्लांट को निकालना है, फिर खेतों में डायरेक्ट आपको लगाना है। लगाने के बाद आपको खुला पानी खेतों में लगा देना है, आप देखेंगे कि 10-15 दिन के अंदर आपके मतलब जो प्लांट होंगे उसमें से पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, सभी प्लांट आपके हरे भरे रहेंगे और कोई भी प्लांट जो नहीं सूखेगा। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आप एक महीने बाद देखेंगे कि सभी प्लांट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं और सभी प्लांट की ग्रोथ बढ़िया तरीके से हमारी हो रही है और सभी प्लांट जो हमारे ग्रोथ प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, कोई प्लांट हमारा नहीं सूखा है। तो ये तो एक ये कारण हो गया कि कई प्लांट जो क्यों सूखते हैं, तो इस वजह सूखते हैं कि प्लांट आपको डायरेक्ट लगा देते हैं और लगाने के बाद आप उसमें पानी नहीं लगा पाते हैं सही तरीके से, तो इस वजह से भी प्लांट जो सूख जाते हैं। बाकी एक तो प्लांट की जो घटिया वैरायटी भी आती है, जैसे एक आप एक तरह से मान लीजिए कि कई किसान भाई क्या करते हैं कि जो पॉपल के बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो मतलब टहनियाँ होती हैं उनको काट के कटिंग तैयार करके खेतों में लगाते हैं, तो वो जो टहनियाँ वाले प्लांट रेडी तो हो जाते हैं और आप जो है उनको आपको नहीं पता होता इतना कि ये ओरिजिनल प्लांट है या फिर टहनियों के रेडी किया जो टहनियों से प्लांट रेडी किया जाता है वो है,
तो आपको इतना इसमें डिफरेंस नहीं पता रहता है। तो आप खेतों में लगा तो लेते हैं, बाद में क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ तो होती है पर आगे चल के क्या होगा कि प्लांट भिंका निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कई प्लांट जो है हाइट रुक जाएगी कई प्लांटों की, कई प्लांट पतले रह जाएंगे, कई प्लांट ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, मतलब मोटे होके और ख़राब हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, तो कई मतलब बीमारियाँ उसमें देखने को मिल जाती है। बाकी जो ओरिजिनल प्लांट होता है आप देख सकते हैं, आपको दूर से देखने में पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर ओरिजिनल प्लांट है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्लांट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, हाइट देख सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट प्लांट है, ऐसा नहीं कि आपको प्लांट टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, तो ऐसा आपको हमारे यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो G2 जनरेशन है और न्यू जनरेशन है। हम न्यू जनरेशन वाइज जो है मतलब प्लांट रेडी करते हैं और सबसे बेस्ट क्वालिटी हम किसान भाई को निकाल के देते हैं। बाकी बुकिंग स्टार्ट है, अगर किसी भी किसान भाई को अभी के समय में अगर बुकिंग करवानी है तो बुकिंग करवा सकते हैं, 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको जैसा वीडियो के पहले बताया दिसंबर से, दिसंबर के लास्ट वीक से नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक से जस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक आपको नंबर दिया गया होगा, तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं और इनकी बुकिंग आप करवा सकते हैं। बुकिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बाद में जैसे आप नज़दीक आके मतलब नवंबर दिसंबर में बुकिंग करवाएंगे तो प्लांट जो होता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट सभी प्लांट मतलब बुक हो जाते हैं, और हम जो किसान भाई को प्लांट नहीं दे पाते हैं या फिर अगर प्लांट बच भी जाते हैं तो वो प्लांट जो आगे चल के कॉस्टली हो जाते हैं और आपको महंगे देखने को मिलेंगे। तो अभी प्लांट जो आपको सस्ते देखने को मिलेंगे 1-2 रुपये, तो अभी आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ किसान भी आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाकी साहब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान वंदे मातरम।